welcome to Thees Me Thees, the daily dose of B-Town, a show which gives you the day's lowdown of all the best happenings which Bollywood has to offer. Ek aisa show jahan khabre hongi fatafat, yani ek ke baad ek Thees khabre. To intezaar kis baat ka? Let's take a look. Thees Me Thees. गणेश चतुर्थी के मौके पर मुकेश अंबानी के घर रखे गए खास फंक्शन में सेलेब्स का तांता लगा रहा, लेकिन यहां गेस्ट लिस्ट के हाईलाइट रहे बी टाउन के फेमस लव बर्ड्स टाइगर दिशा और रणवीर दीपिका। ये दोनों ही कपल्स ने कैमरास के लिए किया हैप्पीली पोज, और जहां दीपिका डॉन्ड अ सब्यसाची साड़ी, वहीं दिशा लगी रिस्प्लेंडेंट इन अ ग्लिमरिंग लहंगा। तीस में तीस। रिसेंटली मुकेश अंबानी के गणेश चतुर्थी फंक्शन में पहुंचे थे शाहरुख खान, लेकिन शाहरुख यहां कुछ देर रहने के बाद ही अब्रप्टली पार्टी से निकल गए। और इंटरेस्टिंगली शाहरुख की ये एग्जिट टाइमिंग मैच हुई प्रियंका के पार्टी में एंट्री से। ऐसे में कहा जा रहा है कि एसआरके का ये वेल प्लान्ड मूव था टू अवॉइड आमना सामना विद पीसी। तीस में तीस। सलमान खान के गणपति बापा का विसर्जन रहा फुल्ली स्टार स्टडेड। गणपति बापा के दर्शन के लिए जहां करण सिंह ग्रोवर, बिपाशा और उलिया जैसे स्टार्स पहुंचे, तो वहीं सलमान के फैमिली मेंबर्स जैसे आयुष शर्मा, अर्पिता अलोंग विद आहिल, अरबाज खान, मलाइका, सोहेल, हेलन और सलमान खान को गणपति विसर्जन के दौरान स्पॉट किया गया। तीस में तीस। बी टाउन के मुन्ना भाई संजय दत्त के घर पर इस साल धूमधाम से गणपति बापा विराजमान हुए। इस मौके पर संजू बाबा ने घर पर गणपति पूजा रखी, जहां बी टाउन के कई सेलेब्स को किया हमने स्पॉट। यहां विधु विनोद चोपड़ा, अदिति राव हैदरी, डेविड धवन, सोफी चौधरी और जरीन खान जैसे स्टार्स हुए शामिल। संजय दत्त और उनकी वाइफ मान्यता आखिर में आए मीडिया के कैमरा के सामने। तीस में तीस। रिसेंटली मुंबई के एक स्टूडियो में रखी गई सिद्धार्थ मल्होत्रा जैकलीन फर्नांडिस स्टार ऑफ फिल्म अ जेंटलमैन की स्क्रीनिंग। अ जेंटलमैन की स्पेशल स्क्रीनिंग में सोनाक्षी और आदित्य जैसे सिड के क्लोज फ्रेंड्स भी यहां नजर आए। तीस में तीस। लेटर ऑन द शो, क्या सलमान खान कैटरीना की सिस्टर इसाबेल को करेंगे बॉलीवुड में लॉन्च? प्रियंका चोपड़ा ने इस वीकेंड गणपति जी के दर्शन के साथ ही बॉन्ड किए अपने ओल्ड फ्रेंड्स के साथ। गणेश चतुर्थी पर अपने बी टाउन फ्रेंड्स को विजिट करने के बाद प्रियंका अपनी फ्रेंड के साथ पहुंची लाल बागसा राजा के दर्शन के लिए, और यहां अपने दोस्तों के साथ प्रियंका ने रीलिव किए अपने मॉडलिंग डेज, जब उन्होंने रात का वक्त गुजारा था बाय द सी क्वींस नेकलेस के पास। तीस में तीस। टॉयलेट बॉक्स ऑफिस पर ऑलरेडी हो चुकी है हिट, लेकिन अक्षय ने अब भी अपनी फिल्म को प्रमोट करने का कोई मौका नहीं छोड़ा है। रिसेंटली अक्षय ने अपने डॉग की ये वीडियो की सोशल मीडिया पर शेयर, जहां अक्षय का ये फोर लेगेड फ्रेंड वॉशरूम यूज करने के बाद फ्लश यूज करता नजर आ रहा है। तीस में तीस। सलमान खान के गणपति विसर्जन के बाद बारी है उनके दोस्त संजय दत्त के गणपति के विसर्जन की। इस साल बड़े धूमधाम से संजय दत्त के घर पर गणपति विराजे थे, और विसर्जन के दौरान गणपति के साथ संजय दत्त, वाइफ मान्यता और उनके बच्चों को स्पॉट किया गया। तीस में तीस। बॉलीवुड के एनर्जी किंग रणवीर सिंह को हमने रिसेंटली स्पॉट किया आउटसाइड हिज जिम। रणवीर अपनी मीन मशीन में यहां स्पॉट किए गए। रणवीर सिंह यहां काफी जोवियल मूड में दिखे और अपने फैंस को भी खुश किया उनके साथ सेल्फीज क्लिक करवा कर। वैसे रणवीर कहीं भी जाते हैं सुर्खियां बना ही देते हैं। तीस में तीस। अमिताभ बच्चन की वाइफ और वेरी टैलेंटेड एक्टर जया बच्चन को हमने स्पॉट किया मुंबई के श्री मंकेश्वर मंदिर के गणपति मंडल के दर्शन करते हुए। जया ने यहां बापा की पूजा अर्चना और अपने परिवार के खुशियों के लिए मंगल कामना की। तीस में तीस। इस
इस वीकेंड हमने स्पॉट किया बिपाशा बासु और उनके हस्बैंड करण सिंह ग्रोवर को मुंबई के बांद्रा इलाके में। यहां बिपाशा बासु मीडिया के सामने मुंह तो छुपाती हुई नजर आईं। अब ऐसा वो क्यों कर रही थी वो खुद ही बेहतर बता सकती हैं। 30 में 30 श्रद्धा कपूर आजकल हैं सुर्खियों में एक बार फिर अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड फरहान अख्तर की वजह से। जी हां, अकॉर्डिंग टू आवर एक्सक्लूसिव सोर्सेज श्रद्धा फरहान के एक कदम से खुश नहीं हैं। अपेरेंटली फरहान ने अफेयर्स के रूमर्स से बचने के लिए श्रद्धा को उनके क्लोज फ्रेंड्स की पार्टी तक अटेंड करने से मना किया हुआ है और यही बात श्रद्धा को खटक रही है। 30 में 30 कपिल शर्मा ने एक बार फिर किया अपने गेस्ट को निराश। रिसेंटली कपिल के शो पर अपनी फिल्म बादशाहों के प्रमोशंस के लिए पहुंची थी फिल्म की टीम, लेकिन शो की शूटिंग शुरू होती इससे पहले ही कपिल को आ गया एक पैनिक अटैक और इसी वजह से शूट हो गया कैंसिल। घंटों वेट करने के बाद भी जब कपिल सेट पर नहीं पहुंचे और फ्यूमिंग अजय देवगन स्टॉर्म्ड आउट ऑफ द सेट फॉलोड बाय द रेस्ट ऑफ द टीम। 30 में 30 तैमूर ने अपने डैड के गुड लुक्स तो बोरो किए ही हैं, लेकिन साथ ही आजकल तैमूर डैडी सैफ के नवाबी स्टाइल को भी कर रहे हैं फॉलो। तैमूर की ये फोटो हाल ही में हुई सोशल मीडिया पर वायरल। इस फोटो में तैमूर एक मिनिएचर पठानी सूट में लग रहे हैं अडोरेबल। 30 में 30 ऐश्वर्या ने आराध्या को करवाया गणेश जी का दर्शन। ऐश्वर्या कुछ दिन पहले आराध्या को लेकर पहुंची सिटी के एक गणपति पंडाल में, लेकिन अभिषेक रहे इस डिवोशनल फैमिली आउटिंग से मिसिंग। 30 में 30 सलमान कटरीना और ऑल सेट टू शूट फॉर टाइगर जिंदा हैज एक्शन पैक्ड क्लाइमैक्स सीक्वेंस। डायरेक्टर अली अब्बास जफर फिल्म के प्रोग्रेस को लेकर सोशल मीडिया पर रेगुलरली रहते हैं एक्टिव और उन्होंने क्लाइमैक्स सीक्वेंस की शुरुआत अनाउंस करते हुए किया ये वीडियो ट्वीट। रणवीर सिंह और प्रियंका एक साथ फिर नजर आ सकते हैं। सोर्सेस की माने तो रितेश सिद्धवानी की गली बॉय फिल्म के लिए प्रियंका ने नरेशन ली है। उन्होंने फिल्म को फाइनल भी कर लिया है। प्रियंका की इस फिल्म के लिए और एक और फिल्म के लिए बातचीत चल रही है और सब ठीक रहा तो प्रियंका इस फिल्म का पार्ट होंगी। पहले ही इस फिल्म में आलिया के फाइनल किए जाने की खबर थी। अब प्रियंका अगर फाइनल हो जाती है तो ये फिल्म पहले ही अपनी स्टार कास्ट की वजह से आ जाएगी सुर्खियों में। 30 में 30 क्या आयुष्मान खुराना की हाई प्राइस डिमांड की वजह से उनके हाथ से निकल गई एक मूवी। जी हां, अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज आयुष्मान आजकल बरेली की बर्फी की सक्सेस की वजह से क्लाउड 9 पर हैं। इसीलिए उन्होंने रिसेंटली एक फिल्म के डिस्कशन के दौरान हाई प्राइस की डिमांड कर दी, जिसके बारे में मेकर्स ने सपने में भी नहीं सोचा था। अपेरेंटली आयुष्मान को मनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं माने। इसके बाद मेकर्स ने आयुष्मान को फिल्म में लेने का आइडिया ड्रॉप कर दिया। 30 में 30 कटरीना कैफ काफी समय से अपनी सिस्टर इजाबेल को बॉलीवुड में डेब्यू दिलाने की कोशिश में लगी हुई हैं, लेकिन अब तक इजाबेल के हाथ नहीं लग पाया कोई भी प्रोजेक्ट। ऐसे में सोर्सेस की माने तो कटरीना चाह रही हैं कि इजाबेल को बॉलीवुड में ब्रेक दे सलमान खान। कटरीना को भी बॉलीवुड में एस्टैब्लिश करने वाले सलमान ही थे और इसीलिए कटरीना चाह रही हैं कि उनकी बहन इजाबेल पर भी सलमान हो कुछ इसी तरह मेहरबान। 30 में 30 ईशान खट्टर और जानवी कपूर जल्द ही सैराट के हिंदी रीमेक से करने जा रहे हैं अपना बॉलीवुड डेब्यू, लेकिन अपने डेब्यू से पहले ही दिस कपल हैज बीन मेकिंग हेडलाइंस फॉर देयर रूमर्ड रिलेशनशिप। ये दोनों रिसेंटली फिर साथ मिले एक डेट पर, लेकिन यहाँ पहुँच कर टू अवॉइड गेटिंग स्पॉटेड टुगेदर ये दोनों रेस्टोरेंट से निकले अलग अलग टाइम पर। 30 में 30 शाहिद कपूर्स एक्साइटमेंट इज रनिंग हाई। वजह है उनकी क्यूट प्रिंसेस मीशा का पहला बर्थडे। शाहिद वाइफ मीरा और मीशा के साथ फिलहाल लंदन में मना रहे हैं हॉलिडे और यहां शाहिद मीशा का पहला बर्थडे भी सेलिब्रेट करेंगे। सोशल मीडिया पर इस फोटो को पोस्ट करते हुए शाहिद ने मीशा के फर्स्ट बर्थडे के लिए अपनी एक्साइटमेंट की शेयर। 30
में 30. आजकल एक्टर्स अपनी फिल्म प्रमोट करने के लिए जा सकते हैं किसी भी हद तक, लेकिन सिद्धार्थ मल्होत्रा से हाल ही में अपनी फिल्म अ जेंटलमैन प्रमोट करने के चक्कर में हो गई एक बड़ी भूल। सिद्धार्थ ने हरियाणा में चल रहे टेंशन के अमिड्स्ट किया ये ट्वीट, जहां उन्होंने लोगों को सेफ रहने के लिए कहा। लेकिन सिद्धार्थ इस नोबल ट्वीट में भी अपनी फिल्म प्रमोट करने से खुद को रोक नहीं पाए और उन्हें इस ट्वीट के लिए किया गया स्लैम। सिद्धार्थ ने फिर कुछ देर बाद डैमेज कंट्रोल करने के लिए इस ट्वीट के जरिए दी अपनी सफाई। 30 में 30. नेपोटिज्म डिबेट पर कई सेलेब्स रख चुके हैं अपनी अलग अलग राय। एक रीसेंट इंटरव्यू में जब जैकलीन को इस इशू पर सवाल किया गया तो जैकलीन ने कहा, गुड एटीट्यूड एंड हार्ड वर्क आर व्हाट टेक यू फॉरवर्ड इन फिल्म्स एंड इन लाइफ। आई फील बोथ आउटसाइडर्स एंड इंडस्ट्री किड्स हैव टू पुट इन देयर फेयर शेयर ऑफ हार्ड वर्क। आई हैव वर्क्ड विद इंडस्ट्री किड्स एंड सीन देयर स्ट्रगल, दे हैव सीन माय स्ट्रगल, बट ऑडियंस डजंट कम बिकॉज ऑफ योर बैकग्राउंड, दैट वे दे आर क्वाइट अनफॉरगिविंग, दे विल ओनली कम इफ दे लाइक यू। 30 में 30. नेहा धूपिया ने वीकेंड पर रिंग इन किया अपना बर्थडे और उनके इस खास दिन पर उनके गुड फ्रेंड करण जौहर ने थ्रो की एक ग्रैंड पार्टी। इस स्टार स्टडेड बर्थडे पार्टी में नजर आए वरुण धवन, प्रीति जिंटा, सोहा विद हबी कुनाल, मलाइका अरोरा एंड सिस्टर अमृता, सुजान खान और मनीष मल्होत्रा। 30 में 30. ऋषि कपूर एक बार फिर अपने ट्वीट की वजह से आए मुसीबत में। ऋषि कपूर ने रिसेंटली ट्विटर पर शेयर किया था एक वीडियो और इस पोस्ट के कंटेंट को लोगों की तरफ से मिला काफी बैकलैश और इसी वीडियो के इनडिसेंट कंटेंट इन्वॉल्विंग चिल्ड्रन की वजह से ऋषि कपूर के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट भी की जा चुकी है। 30 में 30. पंजाब में चल रहे रायट्स और अनरेस्ट की वजह से आलिया भट्ट की फिल्म राजी को उठाना पड़ रहा है नुकसान। पटियाला में शूट कर रही टीम को जैसे ही रायट्स के बारे में पता चला, शूट को हॉल्ट कर दिया गया और अब ऑल ओवर द स्टेट लगे कर्फ्यू की वजह से आलिया के साथ साथ पूरी फिल्म की टीम हो चुकी है स्ट्रैंडेड। 30 में 30. इन अ सोशल अवेयरनेस इनिशिएटिव, तापसी पन्नू ने आईआईटी मुंबई के स्टूडेंट्स के साथ टीम अप होकर सैनिटरी एजुकेशन को प्रमोट करने का जिम्मा ले लिया है। तापसी इस इनिशिएटिव के साथ लोगों में मेंस्ट्रुएशन को लेकर अवेयरनेस फैलाना चाहती हैं और साथ ही साथ इस टैबू को ओपनली डिस्कस करते हुए इसके स्टिग्मा को हटाना चाहती हैं। 30 में 30. करण जौहर ने अपनी फ्रेंड नेहा धूपिया के लिए रखी एक ग्रैंड बर्थडे पार्टी और रिसेंटली इस पार्टी के इनसाइड पिक्चर्स आए हैं सामने। इन फोटोज में नेहा और करण के साथ उनके फ्रेंड्स भी पार्टी एंजॉय करते नजर आ रहे हैं। 30 में 30. टाइगर श्रॉफ की अपकमिंग फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 को एक बार फिर किया गया है पोस्टपोन। जहां पहले ये फिल्म नेक्स्ट मंथ से जाने वाली थी ऑन फ्लो, वहीं अब डायरेक्टर पुनीत मल्होत्रा करना चाहते हैं फिल्म में कुछ नेसेसरी चेंजेस और इसकी वजह से फिल्म की शूटिंग में आ चुकी है डिले। 30 में 30. वरुण धवन की शुजित सरकार डायरेक्टोरियल अक्टूबर फिल्म के लिए काफी टाइम से चल रही है लीडिंग लेडी की तलाश, लेकिन अब तक मेकर्स ने जिस भी एक्ट्रेस को अप्रोच किया है वो अपने अपने प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि इस फिल्म के मेकर्स वरुण के ऑपोजिट किसी न्यू फेस को कर सकते हैं कास्ट।